नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। फिर से पुलिस प्रशासन ने वाहन चोरी गैंग को पकड़ लिया। किस तरह उन्होंने यह काम किया, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। अंतरराज्य चौपहिया वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़। अजमेर जेल से संचालित हो रही थी गैंग। अजमेर जेल में बंद जय सिंह बिकवा रहा था चोरी के वाहन। छात्र वाहन चोर नरेंद्र बैरवा, माली राम मीणा, जय सिंह राणा उर्फ कन्हैयालाल और राम प्रसाद को किया गया गिरफ्तार। जय सिंह के पेट्रोल पंप लूट में केसवार कन्हैयालाल के कब्जे से जब्ती गई चोरी के वाहन। वाहन चोरों से दो पिकअप, एक महिंद्रा थार व एक ट्रैक्टर वाहनों के सामान बरामद किए। जय सिंह के खिलाफ इस मामले में अब तक 21 बार मामला दर्ज हो चुका है। साथ ही नरेंद्र बैरवा के खिलाफ वाहन चोरी के मामले में अब तक 14 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और साथ ही माली राम मीणा के खिलाफ भी वाहन चोरी व लूट के 12 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनों से जिला पश्चिम के अंदर फोर व्हीलर्स की काफ़ी चोरियां हो रही थी, तो उसी सब चीज़ों को देखते हुए इस पर एक टीम गठित करी गई और हरमाड़ा थाना की टीम ने एक इंटर स्टेट व्हीकल चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग मोटरसाइकिल पर जो गांव के बीच में छोटे छोटे रास्ते होते हैं, जिससे कि सीसीटीवी फुटेज कहीं पर ना आए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए छोटे रास्तों को ये लोग इस्तेमाल में करते थे और ऑन द वे किसी भी फोर व्हीलर गाड़ी को जो इनको थोड़ा सा ऐसी जगह पर मिल जाती थी जहाँ से चोरी करना आसान होता था, उसको ये टारगेट करते थे। इसके साथ ही वारदात के दौरान ये लोग अपना फ़ोन बंद करके आते थे और अगर कोई सिम भी यूज़ करनी होती थी तो उसको अपने नाम से इशू नहीं कराते थे। इस पूरे गैंग में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से दो तो इस काम को करते थे, चोरी करने वाले काम को। इसमें नरेंद्र और माली राम ये चोरियाँ करते थे पिकअप्स की, थार गाड़ी की, ट्रैक्टर्स की। और इसके बाद इस गैंग का एक सदस्य जयसिंह, जो अजमेर जेल में पहले बंद था, उसके बाद अभी किसी मुकदमे में जयपुर में जेल में बंद है, उसको ये अप्रोच करते थे, उसको फ़ोन करते थे जेल के अंदर से। उससे फ़ोन पे से वार्तालाप होता था जब अजमेर जेल के अंदर बंद था। उसकी जब सूचना प्राप्त हुई इनसे इंटरोगेशन करने पर, तो ये लोग गाड़ी को टारगेट करने के बाद में गाड़ी के फोटोज जयसिंह के किसी परिचित के पास भिजवाते थे और जयसिंह आगे अपने मिलने वालों से जो पूर्व में इसके केसवार रह चुके हैं उनके पास उन फोटोज़ को भिजवाता था और उनके साथ सौदा तय करता था। इस पूरे में हर एक पिकअप गाड़ी को ये 20-25 हज़ार में बेचते थे, जिसमें जयसिंह पर वाहन अपनी कटिंग अलग से लेता था। वाहन का जो अंतिम खरीदार है वो अब तक के अनुसंधान में कन्हैया लाल आया है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। कन्हैया लाल और जयसिंह पूर्व में लूट के मुकदमों में, इसके अलावा वाहन चोरी के मुकदमों में एक साथ केसवार रह चुके हैं। सभी अपराधियों का इनका पुराना रिकॉर्ड है, 15 से 20 तक के मुकदमे हर अपराधी के ऊपर पूर्व में है। जयसिंह के खिलाफ तो लूट के मुकदमे भी है, वाहन चोरी के मुकदमे हैं और बाकी नरेंद्र और मालीराम के खिलाफ सिर्फ वाहन चोरी के मुकदमे हैं। इसके अलावा राम प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है जो ट्रैक्टर चोरी की वारदातों में शामिल था। अब तक के अनुसंधान में दो पिकअप गाड़ियां इनसे बरामद की गई है, उसके अलावा एक थार गाड़ी बरामद की गई है और एक ट्रैक्टर को बरामद किया गया है। इन्होंने विभिन्न राज्यों में और राजस्थान के विभिन्न जिलों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। अब तक और कितनी जगह से इन्होंने ये गाड़ियां कन्हैयालाल को बेची है इस बारे में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन गाड़ियों को ये आगे कैसे डिस्पोजल करते थे, कि अब तक अनुसंधान में इस तरह के भी कुछ इनपुट्स आ रहे हैं कि इन गाड़ियों को ये अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी जो इनके खरीदार थे वे इस्तेमाल करते थे। इस तरह के बिंदुओं पर अभी अनुसंधान जारी है। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज 19 पर। नमस्कार।